गिरिडीह में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने एक सप्ताह के अंदर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सरिया डुमरी और पीरतांड में जंगली हाथी के उत्पात से आम लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। सरिया थाने के अंबाडीह गांव में अचानक हाथियों का झुंड आ धमका और पगलाए हाथियों ने एक के बाद एक कर 2 लोगों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि हाथियों के दल ने सबसे पहले सिकंदर रविदास को कुचल डाला। इसके बाद हाथी ने रोहित रविदास को भी कुचलकर अधमरा कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर गांव के लोगों ने हाथियों को भगाया, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे रोहित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं जंगली हाथी ने डुमरी थाने के खुदीसार गांव में भी एक दिव्यांग व्यक्ति अजय सिंह को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा पीरतांड के नावाडीह के पारसबानी गांव में भी 50 साल की महिला की हाथी ने पटक पटक कर जान ले ली। वहीं मुफसिल थाने के चुंगलो गांव में पगलाए हाथी ने खुशबू देवी को भी कुचलकर घायल कर दिया, लेकिन गिरिडीह सदर अस्पताल में खुशबू देवी को टाइम पर इलाज नहीं मिल पाया। मृतका खुशबू के पति ने बताया कि दवा भी उन्हें बाहर से ही खरीद कर लानी पड़ी है। घर से निकला अचानक हाथी मार दिया, उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस फोन लगा तो नहीं मिल रहा था, तो तुरंत फिर इधर से एम्बुलेंस बुलाए करके 9 बजे रात को यहाँ पर पहुँचाए। हम विकलांग आदमी हैं, मेरा पैसा भी नहीं मिलता है, बहुत गरीब आदमी हैं, यही हमको गुजर बसर लगता है। दवाई वाई यहाँ का क्या स्थिति था? दवाई हुआ का वही स्थिति है कि यहाँ सही से इलाज नहीं हुआ है, इसका रेफर कर दिया गया। बाहर से खरीदे दवा ना? हाँ, दवाई 200 का बाहर से खरीदे। अच्छा। वहीं एक के बाद एक कर हाथी ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। हाथियों के इस उत्पात से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। गांव के लोग अभी घर से बाहर निकलने में ही डर रहे हैं। मतलब वो ना जाने पर लोग पीछू बटे से लपट लल के सब बतेलो, तो कहलिए डॉक्टर के फोन करबो, तो कहले ना भी ना फोन कर, उतने बोल लो। आर मुर्गी थी मतलब अखिया मुन दल की करबो, पनियो ना दिए पर हाथी हथिया तो ना मतलब ओकर निशानवा है। वहीं भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि जख्मी लोगों को फौरन मदद नहीं मिल पा रही है। सिन्हा ने कहा कि मौत के बाद मुआवजे का प्रावधान तो जरूर है, लेकिन क्या जिंदा रहते गरीबों के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है? उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल पर मौत की सौदेबाजी होती है और सदर अस्पताल को लेकर बिल्कुल झूठा प्रचार होता है। अभी फोन आया था 9 बजे के लगभग में जसपुर से, इनके पति और कई लोग जसपुर से फोन किए थे। जैसे हम यहाँ पे आए तो पता चला कि रेफर कर दिया गया है। हमने 108 को लगाया एम्बुलेंस वाले को, 108 ने कहा कि प्राइवेट से कर ली। जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया कि मैं मालिक राजेश सिन्हा का हूँ, हड़बड़ा के उसने तुरंत बेगाबाद और पचम्बा के एम्बुलेंस को भेजना शुरू किया, लेकिन इसी बीच में मौत हो गई। कहने का ये अर्थ है कि पहले तो एम्बुलेंस वाले को अगर कोई आम आदमी या साधारण आदमी फोन करता है तो उसको प्राइवेट वाला की क्या सेटिंग है, हमारा ये कहना है। दूसरा, हम फिर इस विषय पर आते हैं कि जब आपका हाथी को कुचलने के बाद मर जाने के बाद मुआवजा है तो जीवित में क्या उसका इलाज भी नहीं है? इनके पति ने जाके बाहर से जाके दवाई लिया है, एकदम लापरवाही। यहाँ जैसे हम आए तो हड़बड़ में तुरंत नर्स से बात किया, नर्स से बात करने के बाद सुई वगैरह जो लगाना था हमने अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा। ये बहुत ही खराब लगता है, ये पूरा का पूरा लापरवाही है। हम सरकार से और यहाँ प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, यहाँ के जो सदर हॉस्पिटल के प्रशासन से उससे भी कहना चाहते हैं कि एकदम खराब व्यवस्था, इस व्यवस्था को बेहतर करें, और बेहतर नहीं करेंगे तो माले जो है अपने अनुसार से जब शुरू करेगी आंदोलन तो टेंशन क्रिएट कर देगी। एक जरा व्यवस्था नहीं है, गरीब लोग यहाँ आते हैं, बाकी जिनके पास पैसा वो प्राइवेट में चले जाते हैं। प्राइवेट क्या है? ये सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आप बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं क्या? एकदम बेकार है। मौत यहाँ पे है, मौत का एक तरह से सौदेबाजी होती है और झूठा झूठा प्रचार और प्रसार होता है, हम इसके खिलाफ है। वन विभाग को फौरन जंगली हाथियों के उत्पात से लोगों को मुक्ति दिलानी चाहिए और सरकार को पीड़ित परिवार की उचित मदद करनी चाहिए। वहीं पंचायत स्तर पर जख्मी लोगों के इलाज का भी इंतजाम सरकार को फौरी तौर पर करना चाहिए ताकि जंगली जानवरों के हमले में जख्मी हुए लोगों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।